सामाजिक संस्था की शिकायत पर लोकल क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से देव व्यापार का पर्दाफाश किया। एक महिला को हिरासत में लेते हुए उस पर संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। इस छापामार कार्रवाई में कितनी लड़कियों को वहां से मुक्त कराया, आइए देखते हैं खबर। चंद्रपुर शहर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में स्थानीय अपराध शाखा की पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए अनैतिक देह धंधे का पर्दाफाश किया है। यही नहीं, इस मामले में एक महिला को हिरासत में लेते हुए पीड़ित तीन लड़कियों को वहां से मुक्त कराया है। बताया जाता है कि एक एनजीओ ने जिला पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में गुप्त शिकायत भेजी थी। इस आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की पुलिस ने जाल बिछाकर 23 मार्च के दौरान यह कार्रवाई की। एक महिला द्वारा इन लड़कियों से आर्थिक लाभ के लिए देह व्यापार कराया जा रहा था, ऐसी जानकारी इस मामले की कार्रवाई बाद सामने आई है। इस पूरे मामले के संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक बाला साहब खाड़े ने क्या कहा, सुनिए सर उन्हीं की जुबानी। बरोबर आहे। काल नागपूरच्या काही एन जी ओ मार्फत माननीय एस पी सर आणि माननीय ॲडिशनल सरांना एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त झाली होती की शहर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये गौतमनगर भागामध्ये काही महिला काही मुलींकडून देहव्यापार करून घेतला जात आहे। त्यानुसार माननीय एस पी सर ॲडिशनल सरांच्या सूचनेप्रमाणे मी एक टीम गठित करून सदर ठिकाणी एक आम्ही डमी ग्राहक तयार करून पाठविला आणि आम्ही खात्री केली की ही घटना खरी आहे। आमची खात्री पटल्यानंतर आम्ही त्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यासह एक रेड केली आणि त्या रेडमध्ये आम्हाला तीन मुली त्यांच्याकडून देहविक्रय करून घेतला जात होता आणि ती त्यांच्याकडून देहविक्रय करून घेणारी जी महिला आरोपी आहे तिला आणि त्या तीन मुलींना आम्ही तिथून ताब्यात घेतलं, त्यांची सुटका केली आहे आणि त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून आम्ही सुधारगृहात ठेवण्यात आले आणि महिला आरोपीविरुद्ध आम्ही शहर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करून महिला आरोपी आणि सदर गुन्हा आम्ही तपासकामी दिलेला आहे। सी टी व्ही के लिए हमारे विशेष संवाददाता वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।